पुलिस जो है मेरी कंप्लेंट नहीं ले रही है, ये मेरे एक सेलिब्रिटी के साथ ऐसा हो रहा है तो नॉर्मल लोगों के साथ कैसा होगा। ऐसे कारनामे करते हुए इज्जत की रोटी खाने में कीड़े पड़ते हैं क्या? इज्जत की रोटी हाथ टूट गए हैं क्या? इंडस्ट्री की ड्रामा क्वींस शर्लिन चोपड़ा और राखी सावंत की कैट फाइट खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दोनों एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रही हैं और मीडिया के सामने एक दूसरे की पोल खोल रही हैं। अब राखी ने एक बार फिर शर्लिन चोपड़ा पर पलटवार किया। राखी का कहना है कि शर्लिन के खिलाफ उनके पास काफी सबूत हैं। मेरे पास उसके खिलाफ सारे सबूत हैं। उसके पास मेरे लिए एक भी सबूत हो तो बता दे, या कोई भी हो, लड़की लड़का या कोई भी आके बताए कि मैं किसी को, वो बौखला गई है, डर गई है कि वो इतनी गिर गई है, कीचड़ है, वो तो बौखला गई है कि कोई मेरा सामना नहीं कर रहा, मैं अपनी मनमानी करूंगी, बॉलीवुड वालों को ब्लैकमेल करूंगी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर हीरोज मंत्री शांत्री देश के लोगों को, और मुझे कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, पुलिस को सबको, मैं भारतीय नारी का चोला पहनकर महिला कार्यकर्ताओं को पकड़कर मंत्रियों के पास जाऊंगी, वहां पे कॉन्टैक्ट्स बनाऊंगी और फिर मैं ये सारी चीज़ें करूंगी। मतलब उसे वो फील हो रहा है। अब क्या है ना कि देखिए, मैं हम लोग सब इज्जतदार लोग हैं, ठीक है, ऐसे कीचड़ ऐसे गिरे हुए के मुंह नहीं लगते हम। लेकिन मैंने भी सोचा कि सब मुझे कहते राखी यार वो एक कीचड़ है यार, तुम कीचड़ में पैर रखोगे तो कीचड़ अपने मुंह पे गिरेगा। मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर काली माता या ऐसे बड़े बड़े देवताओं ने ये सोचते कि मुझे राक्षस को मारना नहीं है, चुड़ैलों को मारना नहीं है, तो क्या वो मरते हैं? तो वैसे ही शर्लिन चुड़ैल के ऑपोजिट मैं खड़ी हूँ। उसके पास एक भी प्रूफ मेरा दिखाए? मेरे पास तो सारे प्रूफ, मैं बगैर प्रूफ के तो बात ही नहीं करती, नहीं आती है। ऐसे कारनामे करते हुए इज्जत की रोटी खाने में कीड़े पड़ते हैं क्या? इज्जत की रोटी हाथ टूट गए हैं क्या? मैं उन बाइयों को, उन महिलाओं को मैं सल्यूट करती हूँ जो बर्तन धोकर, कपड़े धोकर, रोड साफ कर मेहनत करके अपने बाल बच्चों को पालते हैं। लेकिन ये गंदगी शर्लिन चोपड़ा, इसको बड़ी गाड़ी चाहिए। बता दें कि शर्लिन ने राखी को बॉडी शेमिंग करते हुए उन्हें चर्बी की दुकान और गंजा कहा था, जिस पर अब राखी ने रिएक्शन दिया है। साथ ही राखी ने शर्लिन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि कौन साड़ी पहनकर और इतना मेकअप लगाकर पुलिस स्टेशन जाता है। मैं तो हूँ मोटी, हाँ मैं मोटी हूँ, मुझे बॉडी शेमिंग तूने की है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देख पकड़, ये ले मेरे सर में देख कितने बाल है, देख ले पकड़, तू खुद टकली है। एक्सटेंशन डाल के कौन पुलिस स्टेशन जाता है? इतना मेकअप लगा के कौन पुलिस स्टेशन जाता है? माय गॉड, ये इतना, ये सीएम के ऑफिस में पहुंचेगी ना, ये खुद की साड़ी ऐसे उतार देगी, वीडियो बनवा लेगी, सीएम को बदनाम करेगी। आप समझ रहे हो, इतनी घटिया औरत है ये शर्लिन चोपड़ा, इतनी घटिया है ये। और ये कौन होती है? मैं 10 हस्बैंड करूं तो कौन, मैं 50 बॉयफ्रेंड रखूं तू कौन, तो साड़ी पहन के 50 किलो का मेकअप लगा के बाल में वीग लगा के जाती है। पुलिस ने भी बोला ए बाबा निकल यहां से, ए तेरे पास कोई प्रूफ नहीं कुछ नहीं, मीडिया लेके पहुंच जाती है इधर, और पुलिस बाहर डंडे मार के भगा देती है, बाहर जाके मीडिया के सामने रोती है। पुलिस जो है मेरी कंप्लेंट नहीं ले रही है, ये मेरे एक सेलिब्रिटी के साथ ऐसा हो रहा है तो नॉर्मल लोगों के साथ कैसा होगा। तू सेलिब्रिटी है? किसने तेरे को बोला सेलिब्रिटी है तू? हाँ, इज्जत की रोटी है ना, चाहे एक मिले आधी मिले, मीठी होती है। बर्तन मांज, कपड़े धो, जॉब कर, फिल्मों में इज्जत से काम कर, अच्छा काम कर, एंकर बन, इज्जत की रोटी कमा, फिर खा, देख तेरे माँ बाप को भी तेरे पे गर्व होगा। राखी ने आरोप लगाते हुए कहा कि शर्लिन लोगों को ब्लैकमेल करके पैसा कमाती है। जेवर चाहिए, बैंक में ढेर सारा पैसा चाहिए, लोगों को रूम में बुला के गुप्रो कैमरा रख के गंदगी करके, आप समझ रहे हो, मतलब रूम में बुला के क्या होता है मालूम है ना, वो सब करके फिर वीडियो बना के हर आदमी को ब्लैकमेल करती है।
राखी का कहना है कि शर्लिन का निशाना महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पर है। कार्य महिलाओं कार्यकर्ताओं को पकड़ रही है और सीएम के पास जाना चाहती है। अब सीएम के पास इसकी औकात इतनी नहीं कि सीएम इसको बुलाएंगे, क्योंकि इसकी छवि बहुत गंदी है। तो ये साड़ी पहन के महिला कार्यकर्ताओं का, अब सीएम को लगेगा कि महिला ही आ रही है तो अपॉइंटमेंट देंगे। अब ये जाएगी अंदर, सीएम का नंबर लेगी, एकनाथ शिंदे जी का नंबर लेगी, फिर सीएम जी को कांटेक्ट करेगी, फिर उसको उनको डिनर पे बुलाएगी, फिर इनके साथ कांड होगा, हमारे सीएम के साथ कांड होगा। सीएम साहब, राखी सावंत तुम ची वार्निंग देते ही म्हातारीला भेटू नका, शर्लिन चोपड़ा म्हातारीला भेटू नका, तुम्ही भेटले तुमचा नंबर घेणार, तुम मिलोगे ना तुम्हारा नंबर लेगी, फिर गुप्रो कैमरा कोने में रखेगी रूम में, सर आइए ना, आइए सर, आइए ना, आइए आइए सर, मेरा घर में एक फंक्शन है, ऐसा करके कैमरा गुप्रो रखेगी, हमारे सीएम को ब्लैकमेल करेगी, बदनाम करेगी। बाल बच्चे वाला आदमी है सीएम हमारा। ऐसे ही सीए करती है, सारे बिजनेस टाइकून्स को क्या करती है, देश के बिजनेस लोगों को, बाल बच्चे वाले आदमी है ये लोग, वाइफ वाले आदमी है, इनको ऐसे कैमरा रख के सब गंदगी करती है। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।